नहीं निकलेगी। ऐसी जगह बहुत केयरफुल होके चलाना पड़ता है। ये चली जाएगी पनामिक लेक की तरफ और हम जाएंगे न्यूब्रा की तरफ। अब निकलते हैं यहाँ से, काफी देर रुक लिए, जल्दी मिलेंगे। हाँ भाई चलो, फिलहाल अब निकलते हैं। इंटरकॉम कनेक्ट तो किया है लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, वॉइस क्लियरिटी नहीं है। और लुक एट दिस व्यू, बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ, थोड़ी देर के लिए हुआ, थैंक गॉड। और अब क्लाउड एकदम क्लियर है, प्रॉपर सनलाइट है, बहुत अच्छा लग रहा है। थार, ऐसे ही जगह पे थार का मजा ही अलग है। ये देखो व्यू, बट अभी रोड क्या गीली हो गई है, थोड़ा सा केयरफुली चलाना पड़ेगा। ये देखो फ्रेश स्नो, बहुत मज़ेदार। अब लेकिन काफ़ी केयरफुली चलाना पड़ेगा क्योंकि स्नोफॉल होने के बाद क्या हुआ है कि रोड पे ना पानी हल्का फुल्का है, जो कि थोड़ा सा रिस्की होता है। सामने की जो पहाड़ है ना, मैंने आपको पहले से दिखाए थे कि ऐसा लग रहा था कि क्लाउड्स के बीच में पहाड़, पहले देखा होगा कि मैंने दूसरी तरफ जब खारदुंगला से हम लोग नीचे थे तब मैंने आपको दिखाया था कि ये ही पहाड़ थे जो ऐसा लग रहा था कि क्लाउड्स के बीच में है, और अब हम वहीं पे हैं। सामने देखो, अब हम यहाँ से धीरे धीरे नीचे उतरेंगे क्योंकि न्यूब्रा वैली डाउन हिल में है। यहाँ से अब हमको इधर से होते हुए दूर दिख रहा है वहाँ नीचे तक जाना है ऐसे होके, और यहाँ पे थोड़ी बहुत रोड भी खराब है। ऑक्सीजन को अपने को कोई इशू नहीं हो रहा है, बट ज़्यादा बोलने पर थोड़ी थोड़ी सांस फूलने लगती है। ऐसी जगह बहुत केयरफुल होके चलाना पड़ता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। फ्लैग लगने के बाद अपनी बाइक का लुक कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। टाइम हो रहा है 2 PM और अपनी बाइक चल चुकी 5500, और डोमिनार ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लैक ऑफ पावर फील नहीं होता है, पहाड़ों पे तो वैसे भी नहीं होता है, रीज़न भी एंड कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्रूज नहीं कर सकते। खारदुंगला रूट जो है, ये रूट आज से बहुत साल पहले से यूज़ हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है, यही रूट है जिससे इंडियन आर्मी सियाचिन तक अपना मटेरियल लेके जाती है, और खारदुंगला रूट ही है कि जब इंडिया सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता था तो इसी रूट को यूज़ करता था। बट पहले क्या होता था कि घोड़े और डबल हुड वाले कैमल होते थे, उनसे मटेरियल जाता था, इसी रूट को यूज़ करते। और डबल हुड वाले कैमल आपको अभी भी देखने को मिल जाएंगे हुंडर में। अभी हम लोग का शायद हुंडर का प्लान नहीं बनेगा, अगर टाइम से दीक्षित पहुँच गए तब हम हुंडर जाएंगे, नहीं तो हम हुंडर नहीं जाएंगे। अगर वहाँ गए तो आपको डबल हुड वाले कैमल भी देखने को मिलेंगे। और सामने के ये व्यू देख लो, सामने देखिए ये जो क्लाउड्स है, काफ़ी मतलब नेकेड आइज से मूविंग फील हो रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। ये आर्मी चेक पोस्ट है। तो ये है नॉर्थ कुल्लू, उधर हम थे साउथ कुल्लू में। ऊपर से मैं आपको दिखा रहा था कि ये आर्मी बेस कैंप है क्या है, बट ये नॉर्थ कुल्लू है। वेलकम टू नॉर्थ कुल्लू, एटीट्यूड 15,300। सो यहाँ पे रुके थे ड्रोन शॉट उड़ाने के लिए, बट हाई एल्टीट्यूड का अलार्म आ रहा था, सही से सेट नहीं हो रहा था। स्पीड थ्रिल्स व्हाट किल्स, और ये सब BRO है, यहाँ जितना भी रोड कंस्ट्रक्शन द ग्रेट BRO। अब जैसे जैसे हम लोग नीचे उतरते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड कम होती जा रही है। एक्चुअली क्या था, वहाँ पर बहुत तेजी के साथ हम लोग ऊपर चढ़े थे तो अचानक से ठंड बढ़ी, अचानक से स्नोफॉल आया, धीरे धीरे थोड़ा आ रहा था, फिर खारदुंगला पे तो समा बांध दिया, और अब नीचे की ओर उतर रहे हैं। 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा दिस्कित पहुंचते हुए। यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आप किसी भी एंगल किसी भी तरह से फोटो क्लिक कराओ, हर फोटो बहुत ब्यूटीफुल आती है। आपको किसी स्पेशल एडिटिंग की जरूरत नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो नेचुरल पाउडर लगता है ट्रकों का उसी से आप ब्यूटी अपनी बढ़ा सकते हैं। हमारे सामने ये जो गाड़ी चल रही है ब्लैक वाली, ये कोची से लेह आई हुई है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, इसका नंबर भी KL का ही है। काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छे से गाड़ी के ऊपर मार्किंग वगैरह सब कुछ की हुई है। सो यहाँ इस विलेज में आपको कैफे वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, बहुत सारे टूरिस्ट के लिए स्टे भी बने
हुए, होम स्टे भी है। तब ये देखिए शिलोक गेस्ट हाउस है, ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो इसी तरह के यहाँ पर रेस्ट करने के लिए या स्टे करने के लिए चीजें अवेलेबल है। सो फ्यूचर में कभी आपका प्लान बनता है तो आप इस तरह की जगह को भी कंसिडर कर सकते हैं। एक ऑफ बीट प्लेस है ये, यहाँ पे क्या अगर आप स्टे करेंगे नेचर से कनेक्टेड होके घूम सकते हैं पहाड़ों के बीच में। सो यहाँ से सामने से आने के बाद मैं आगे की तरफ जा रहा था, बट एक इधर शॉर्टकट है तो कैब भाई ने बोला कि शॉर्टकट से ही चलते हैं। ओह माय गॉड, काफ़ी ठीक ठाक स्लोप है, बट आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस शॉर्टली कवर हो जाता है। ये है वो प्लेस, यहाँ पीछे से हम लोग आए, ये राइट में जा रहा है पेंगोंग लेक और लेफ्ट में जा रहा है नुब्रा वैली। सो हम जाएंगे नुब्रा वैली की तरफ। अब यहाँ से थोड़ी दूर पे है खलसर और खलसर से फिर हम आगे जाएंगे। अब जो आपको ये रिवर दिख रही है साइड में, ये है श्योक रिवर। ये रिवर आ रही है पेंगोंग की तरफ से और नुब्रा वैली की तरफ जा रही है। नहीं निकलेगी, आप निकालो। ओह माय गॉड, ये व्यू देख लो, श्योक रिवर जा रही है साइड में हमारे, ये हमारे साथ खलसर तक जाएगी और खलसर से आगे ये चली जाएगी पनामिक लेक की तरफ और हम जाएंगे नुब्रा की तरफ। बट अभी इस रिवर में पानी बहुत कम है, मतलब आई डोंट नो इतना कम पानी क्यों, बहुत ही कम पानी है। नुब्रा वैली हुंडर डिस्के तीनों ही इधर से ही जाते हैं और आगे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है वेलकम टू नुब्रा एंड श्योक वैली। नीचे एक आर्मी बेस कैंप बना हुआ है खलसर में। यहाँ पे चाय पीने के बाद निकल रहे हैं। यहाँ पर राफ्टिंग वगैरह भी होती है, सामने मैंने आपको बताया था श्योक रिवर है। यहाँ से डिस्किट है अप्रॉक्स 19 किलोमीटर और 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा अपने को पहुँचने में। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं तो 5:30 तक हम पहुँच जाएंगे डिस्किट। इनकेस अगर टाइम सही रहा तो वहाँ जो मॉनेस्ट्री है डिस्किट मॉनेस्ट्री जो काफ़ी फेमस है बुद्धा जी की, वहाँ पर काफ़ी बड़ी स्टैचू है। सो अब हम लोग आ गए ऑलमोस्ट डिस्किट में और यहाँ ऊपर है वो स्टैचू, वो मैं अभी ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। इनकेस अभी हुआ नहीं तो प्लान हो सकता है हम मॉर्निंग में भी देखें, क्योंकि क्या है कल यहाँ से पेंगोंग का जो जर्नी है वो काफ़ी मतलब ठीक ठाक लेंदी है, फिर पेंगोंग घूमना भी है। सो देखते हैं किस तरह का प्लान बनता है, वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सब कुछ पता ही चल ही जाएगा। सो यहाँ से हम लोग आए हैं, ये जगह है डिस्किट। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो बुद्धा जी की जो फेमस स्टैचू है जो उसमें आपको दिख रही होगी ये वो है। बट अभी हम सोच रहे हैं कि दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम इसको पहले घूम लें, दूसरा है होटल ले लें। सो अभी तो हम फिलहाल जा रहे हैं थोड़ा सा आगे और ये भी प्लान कर सकते हैं कि या तो हम उंडर होके आ जाएं, क्योंकि वहाँ पे डबल हुड वाले जो कैमल है वो सिर्फ वहीं पे देखने को मिलेंगे। सो एक बार देखते हैं, प्लान करते हैं और ये सब बहुत अच्छा लगता है देखने में। देखो ऑप्शन दो ही पूरे कर पाओगे, या तो उंडर चल दो या यहाँ देख लो। यहाँ देख के अगर होटल लेके यहाँ देखोगे तब अंधेरा हो जाएगा, उंडर नहीं जा पाएंगे। हम आ गए हैं सोनम गेस्ट हाउस, इसी रोड पे है जो मॉनेस्ट्री है, तो हमने सोचा यहीं पे ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है प्राइस भी कम है और वाईफाई वगैरह भी है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वाईफाई, इसीलिए यहाँ पे लिया। अभी फटाफट रूम में सामान रखते फिर निकलते हैं आगे के लिए। ये है अपना रूम। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बाहर मॉनेस्ट्री की तरफ, क्योंकि यहाँ पर डिस्किट में सिर्फ यही चीज़ फेमस है, इसके आगे हुंडर है। कैब भाई आ गए, यहाँ से निकलते हैं वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि अभी शाम हो रही है, बंद हो जाएगा। हम आ गए हैं बुद्धा जी की स्टैचू देखने के लिए, वो पीछे आप देख रहे होंगे ये है बुद्धा जी की स्टैचू। और ये इधर देखेंगे अगर तो ये है डिस्किट मॉनेस्ट्री, और नीचे जब मेन गेट से एंट्री करेंगे तो वहाँ से 60 रुपीज़ की टिकट लगी दो लोगों की, यानी 30 रुपीज़ पर पर्सन। और ये देखिए यहाँ का मेन गेट, अभी साइड से एंट्री ओपन है, 6:30 तक ओपन रहता है, अभी टाइम हो रहा है 6:20, यानी कि 10 मिनट है, बट उन्होंने बोला आप जाके देख लो। लोग आ गए मॉनेस्ट्री पे, लेकिन बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी क्योंकि हमने बाइक खड़ी कर दी थी पीछे, बट एक्चुअल में हमें पीछे खड़ी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर ऊपर और थोड़ा ऊपर आके पार्किंग है, तो इस पार्किंग में बाइक खड़ी कर सकते थे। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है और टाइम हो रहा है अभी 6:46। सो अंधेरा होने की वजह से बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट ठीक ठाक हमने घूम लिया है। बाकी आज का दिन बहुत अच्छा रहा, खारदुंगला घूम के आया, उसके बाद जो बीच की जर्नी थी वो बहुत खूबसूरत थी, फिर जो नुब्रा वैली के व्यू थे ना वो इनक्रेडिबल थे। अब हम जाएंगे अपने होटल जो कि हमने डिस्किट में ही ले रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।